लिखा, हेडिंग लिखा डिफरेंसिबिलिटी। तो देखो इस डिफरेंसिबिलिटी में क्या होता है, ये एक एक तरह का मेजर है। क्या है? एक मेजर है जिससे पता चलता है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, है ना। किसी पॉइंट पे फंक्शन के डिफरेंशिएशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये हमें डिफरेंशिएबिलिटी से पता चलता है। और एक और दूसरा दूसरा आप सोच सकते हो कि ये ना डिफरेंशिएबिलिटी हमें कर्व की स्मूथनेस के बारे में भी बात करता है। कर्व की कर्व के इस कर्व स्मूथनेस के बारे में भी बात करता है ना। तो डिफरेंसिबिलिटी क्या है, क्या बताता है डिफरेंसिबिलिटी? हमें बताता है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्या इतनी बात समझ आए? ठीक है। और इसको मैं एक ग्राफिकल मेथड से समझा देता हूँ कि डिफरेंसिबिलिटी होता क्या है। जैसे आप इस ग्राफ को देख सकते हो, जैसे ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस है ना, और ये वाई एक्सेस है। और लेट्स से मैं ये ग्राफ बना लेता हूँ, कोई पॉइंट है लेट्स से वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया लेट्स से ये एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, और ये एक सेकेंड बना दी मैंने, इसको नाम दे दिया ये पी पॉइंट है, और ये नाम है ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। अच्छा पी पॉइंट जो है, पी के कोऑर्डिनेट बता सकते हो कितने होंगे? देखो एक्स इक्वल टू ए है तो ये पी पॉइंट इस ग्राफ पे ना वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो पी के कोऑर्डिनेट बताओ कितने होंगे? क्या ये ए कॉमा एफ ऑफ ए आ जाएगा? आ जाएगा ना, है ना। अच्छा अब मैं Q वाला पॉइंट की बात कर देता हूँ। Q Q मैं जनरल पॉइंट ले रहा हूँ, तो लेट से मैं ले लेता हूँ कि ये X पॉइंट है। तो यदि ये X है जनरल पॉइंट, तो Y कोऑर्डिनेट क्या एफ एक्स हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। और लेट से ये पी क्यू जो सेकेंड है, सेकेंड है लेट से ये एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, तो बताओ एम ऑफ पी क्यू, पी क्यू सेकेंड का स्लोप, एम मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू सेकेंड कितना आएगा बताओ? स्लोप ऑफ पी क्यू, हाँ पी क्यू सेकेंड पाई बाई फोर। अरे ये 45 डिग्री एंगल थोड़ी ना है, तो ये क्या देता है स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड, क्या इसी की वैल्यू 10 बीटा के इक्वल है? पक्का 10 बीटा के इक्वल हो गई, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि ये जो Q पॉइंट है, Q को P की तरफ लेके आओ, इसी कर्व पे Q को घसीटते हुए P की तरफ लेके आओ। तो एज Q अप्रोचेस टुवर्ड P, तो अब यहां पे दो तरह से अप्रोच हो सकता है। Q या तो इधर से आ जाए, इधर से लेफ्ट से P की तरफ जा रहा हो, या राइट से P की तरफ जा रहा हो। तो दो तरह के अप्रोच आते हैं, एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट आर एच डी, एंड एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसको एल एच डी बोलते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव कब बोलते हैं? जब क्यू जो है, क्यू पॉइंट जो है राइट से ए की तरफ आ रहा हो, पी की तरफ आ रहा हो। और एल एच डी कब बोलते हैं? जब क्यू जो है लेफ्ट से पी की तरफ आ रहा हो, ठीक है। तो यदि Q P की तरफ अप्रोच करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? क्या इसका ये मतलब है
कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है, x किसकी तरफ अप्रोच करेगा, a की तरफ, x टेंड्स टू a, ठीक है। अच्छा बताओ, यदि p q जो है p की तरफ अप्रोच करेगा, लेट से p फिक्स है, तो जब ये q ऐसे आएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा ये लाइन, और फिर एक टाइम आएगा कि जब वो लाइन जो है वो बिल्कुल ऐसी बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी। तो ये जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट, ये टेंजेंट जो पी पे बनती है, ये इम्पोर्टेंट टेंजेंट है हमारे लिए, इसको पढ़ना है। तो अब जब आप देखो कि जब क्यू पी की तरफ टेंड करेगा या एक्स टेंड्स टूवर्ड ए, देन उस समय ये जो बीटा है, बीटा क्या थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ ना। तो बताओ, हाँ, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एज q approaches p imply x approaches a, तो उस समय m of pq किसकी तरफ अप्रोच करेगा, बताओ pq का स्लोप किसकी तरफ, क्या tan थीटा की तरफ अप्रोच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, इसी चीज को, ये जो tan थीटा है, इसी चीज को इस तरह से लिख देते हैं, देखो लिमिट x टेंडिंग टू a, x tending to a, जो ये है ना, ये क्या है बताओ, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x माइनस, यही है ना, और यही किसकी इक्वल हो जाएगा, अब वो tan बीटा के इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये tan बीटा के, और क्या ये वही है, दैट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जेंट एट p, है कि नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया जो है tan थीटा की जो वैल्यू आई है, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये डेरिवेटिव है ना फर्स्ट। अब इसी चीज को, इसी को नाम देते हैं f डैश a, क्या नाम देते हैं f डैश a, और इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं dy by dx at x equal to a, क्या बोल सकते हैं dy by dx at x equal to a, क्या इतनी बात समझ आई। तो अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे जो x tending to a लिखा है, तो ये क्या कर रहा है, ए को ना दोनों तरफ से अप्रोच करा रहा है, राइट से भी और लेफ्ट से, तो दोनों को कलेक्टिवली लिख लिया है, यहाँ पे लिख लिया गया है। तो अब यदि इंडिविजुअली एलएसडी की बात करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, तो कैसे लिखा जाएगा बताओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, और उसको बोलेंगे एफ डैश ए माइनस, क्या बोलेंगे f डैश a माइनस, तो समझ आ रहे हैं ना, a माइनस मतलब a के लेफ्ट पे डेरिवेटिव है। तो देखो ये f डैश a माइनस है, तो क्या लिखा जाएगा बताओ, इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, लिमिट x a माइनस a, और ये f x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a है ऐसा। अच्छा, यदि आप इसको h में कन्वर्ट करना चाहो तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a और अपॉन ये कितना, x की जगह x नहीं सॉरी h कितना आएगा बताओ, नीचे क्या कितना आएगा, ये माइनस एच आ जाएगा ना, ए माइनस एच माइनस एच। अब इसमें देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली बात है कि इसमें जो एच है, एच हमने जो लिया है वो एच इज पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव एंड वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है ना। सो चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए या एच में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये लिख लीजिए, तो ये दोनों ही चीज किसको डिफाइन करेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
at x equal to a. In the same way, यदि हम कुछ इस तरह से करें, RHD at x equal to a, कैसे लिखा जाएगा बताओ? RHD लिखने का मतलब है कि f dash a plus, है ना? कितना आ जाएगा बोलो? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये RHD हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a. और इसी को यदि आप h में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a और अपॉन कितना आ जाएगा? ये एच आ जाएगा, एच आ जाएगा. तो ये RHD हो गया. क्या ये दोनों ही बात समझ आए? RHD एंड LHD दो चीजें यहाँ पे, क्लियर? अच्छा, यदि इसको यहाँ पे, यदि इस पर्टिकुलर इस पोर्शन को यहाँ पे देखें, यहाँ पे, तो ये समझ में आएगा RHD क्या है और LHD क्या है, है ना? इसको समझ लेते हैं, RHD और LHD को एक ग्राफ से. एक और ग्राफ है, लेट्स से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. और इस बार ग्राफ ना मैं इस तरह से बनाता हूं, वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ऐसा, somewhat like ऐसा, और ये ऐसा बना देता हूँ, चलेगा? This is y equal to fx, ठीक है? अब यहाँ से देखो हो क्या रहा है कि ये पॉइंट है, let's say x equal to a, ठीक है? अब RHD की बात करोगे तो इसके राइट में डेरिवेटिव देखना है, तो एक पॉइंट ये है और इसके जस्ट राइट में एक पॉइंट लेंगे. अब नेबरहुड के राइट में लेंगे तो अब देखो ध्यान से, ये है a प्लस एच है, ठीक है? तो अब जो टेंजेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा, लेट से ये टेंजेंट बना रहा है थीटा एंगल, थीटा. तो ये जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा दैट इज एफ डैश ए प्लस, समझ रहे हो? और इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और क्या लिखा जाएगा बता? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एच, ये हो गया RHD. क्या हो गया? RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ए. अच्छा, LHD की बात करें, ध्यान से सुनो, तो ये पॉइंट a था और उसी के लेफ्ट में जाएगा, तो ये a माइनस एच इधर हो गया ना, ये वाला पॉइंट. तो अब जो टेंजेंट आएगा वो ऐसा नहीं बनेगा, ये इस तरह का बनेगा, है ना? तो लेट्स, ये टेंजेंट है, अब ये बीटा एंगल बना रहा है, तो टेन बीटा पता क्या होगा? टेन बीटा की वैल्यू हो जाएगी दैट इज एफ डैश ए माइनस, क्या बोलेंगे? एफ डैश ए माइनस LHD. और इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए और अपॉन माइनस एच, ये लिख सकते हैं. और यदि ऐसे नहीं लिखना है, एच में नहीं लिखना है, तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो बताओ? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, नहीं नहीं एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस, अच्छा माइनस एक्स माइनस. अच्छा, जैसे ये लिखा है ना, वैसे इधर भी लिख सकते हैं. यदि आपको ऐसे नहीं लिखना है, आप x में कन्वर्ट, h में नहीं करना चाहते हो, यदि आप x में ही लिखना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. तो देखो ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन याद करना बड़ा आसान है ना? तो कौन सा याद रखोगे बताओ? कौन सी एक्सप्रेशन याद रखोगे?
ये वाले, ये जो लिखा ना तुमने, इस पर्टिकुलर ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे ये जो लिखा है f डैश x ऐसा और इस तरह से लिखा, ये याद कर लीजिए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अब जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए तो यहाँ प्लस लगा दिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए तो माइनस लगा दिया, और बाकी बाकी सब आरएसडी एलएसडी इसी से तो निकलते हैं, देखो इसी से डिराइव है ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। और ये जो लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या नाम देते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल। कोई डाउट? नहीं, नो डाउट एट ऑल। आप देख लीजिए एक बार कैसे हम लोगों ने अप्रोच किया है। अब देखो यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया, एलएसडी आरएसडी। और यहाँ पे देखो ये ग्राफिकल अप्रोच हमने तुम्हें बताई, ये देखो ये टेन थीटा जो आया था वो आरएसडी है ना, क्या है ये आर एच राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए है ना, और ये क्या लिखा है बताओ, एलएसडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। अब ए पे डिफरेंसिबिलिटी का क्या मतलब है, ए पे डिफरेंसिबिलिटी का क्या मतलब है, डिफरेंसिबिलिटी ठीक है, एबिलिटी ठीक एट एक्स इक्वल टू ए, तो ये तब बोले, तब हम किसी फंक्शन को डिफरेंसिएबल बोल सकते हैं इफ एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू कोई फाइनाइट नंबर आ रहा हो, फाइनाइट वैल्यू, देन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए। कहने का मतलब कि यदि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आती है और वो कोई फाइनाइट वैल्यू है, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन ए पे डिफरेंशियबल है, ठीक है। अच्छा ये क्या होता था, ये टेंजेंट का स्लोप ही तो होता था है ना, तो यदि किसी पॉइंट पे राइट हैंड में कुछ और टेंजेंट मिल रही और लेफ्ट हैंड में कुछ और टेंजेंट मिल रही है, तो यदि इस पॉइंट पे देखो दो दो टेंजेंट मिल रही, तो क्या ये पॉइंट इस पॉइंट पे, क्या इस पॉइंट पे ये एफ एक्स डिफरेंशियबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ? इसमें देखो कि टेन थीटा जो है नॉट इक्वल टू टेन बीटा, तो जिस पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट मिले राइट में और लेफ्ट में दोनों में सिर्फ एक टेंजेंट मिले, तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। समझ आया, क्लियर हुआ? तो कहां पे देखो, जैसे मैं कुछ केसेस बना देता हूं, जैसे इस तरह का केस मिला, ध्यान से देखो कि y इक्वल टू एफ एक्स कुछ ऐसा हो गया कि लेट से ये ऐसे था और फिर ये y इक्वल टू एफ एक्स हो गया और ये a है, बताओ अब आपको क्या क्या फील हो रहा है कि a पे फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नहीं है? नहीं सर, नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? उसका स्लोप देखोगे तो वो राइट हैंड डेरिवेटिव, अब दो टेंजेंट बन रहा है तो आप क्या बोलोगे कि इज नॉट नॉन डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो जहां पे ऐसा होता है कि जहां पे एक शार्प एज मिल रही हो, शार्प कॉर्नर, शार्प एज, या जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो तो भी डिफरेंसिबिलिटी नहीं होती है। यदि कुछ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो तो भी फंक्शन नॉन डिफरेंसिबल होता है उस पॉइंट पे। आगे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जहां ये क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर सकते हो, शार्प एज इम्प्लाई नॉन डिफरेंसिबिलिटी, लिख लीजिए शार्प एज
of fx at x equal to a imply non-differentiability. Ability at x equal to a, ठीक है. और भी सिचुएशंस देखेंगे जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम ये थ्योरी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो और ये भी देखेंगे कि यदि नॉन यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है a पे, तो वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कैसे आती है, वो भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है. चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज क्लास वर्क अंडरस्टैंडिंग. समझ आया क्या है ये क्लास वर्क अंडरस्टैंडिंग? पहली बात तो ये देखो कि पहला क्वेश्चन आप पढ़ो क्या कह रहा है. बोला जा रहा है बताओ. क्वेश्चन क्या है? इफ एफ डैश ए प्लस, क्या ये बात समझ आ रही है? है ना. और एफ डैश ए माइनस, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए, इसके लिए एक्सप्रेशन ये है. देन फाइंड एफ डैश ए प्लस एंड एफ डैश ए माइनस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एंड कम एंड कमेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एफ डैश ए. तो आपको कमेंट करना है कि फंक्शन का ए पे, फंक्शन ए पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और यदि है तो वो वैल्यू क्या आ रही है. समझ आया ना? तो फटाफट सॉल्व दिस क्वेश्चन. There are six question. एक के बाद एक हम लोग डिस्कस करते हैं one by one. तो पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करो दोनों ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए. देखो होगा क्या, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x² - x + 3 और वेयर ए इक्वल टू 2, मतलब 2 पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए, मतलब x इक्वल टू 2 पे डिफरेंस चाहिए. तो f डैश 2, पहले हम लोग f डैश 2 के लिए लिख लेते हैं और फिर हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे. पहले हम लोग डायरेक्ट इसको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है. एफ डैश टू के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा बताओ? लिमिट x टेंडिंग टू टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू अपॉन x माइनस टू, सही है. लिमिट x टेंडिंग टू टू एफ एक्स क्या ये है, दैट इज 2x - x + 3 एंड माइनस एफ ऑफ टू चाहिए. टू मतलब x कितना ये पुट कर दो तो कितना कितना 8 - 2 + 3 - x - 2 तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 और सिंपलीफाई करो बताओ कितना आ रहा है, 2x² - x और ये कितना आएगा -6 ना, और अपॉन x - 2. थिंक अबाउट इट. तो वो ऐसे फैक्टर हो गए. हां x - 2 देखो 2 पुट करोगे ना तो 0 आ जाएगा ये. तो x - 2 इसका एक फैक्टर होगा. तो x टेंडिंग टू 2 और ये x - 2 और देखो ध्यान से क्या 2x + 3 -6 आ रहा है तो +3 आ जाएगा और यहाँ पे x - 2. थिंक अबाउट इट, क्या सही है, 2x - 4x + 3x - x - 6, ठीक है. अब देखो ये कट हो गया और यदि आप इसकी लिमिट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा. तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने जैसे ये डायरेक्ट ये किया, डायरेक्ट f डैश a निकाला, ठीक है. तो यहाँ पे कहीं पे भी ये रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी कि राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है? नहीं,
नहीं पढ़ी, मतलब कि हमने ये जो प्रोसेस किया इसमें हमने ये और ये दोनों एक साथ कैलकुलेट किए हुए हैं। क्या इतनी बात समझ आई कि क्या बोला मैंने? जो भी हमने प्रोसेस किया तो लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को दोनों को एक साथ लेके चला हूं मैं, तो इसलिए फिर ये राइट हैंड और दोनों ही सेव ही नहीं आएगा। मतलब कि हम एफ डैश टू प्लस की बात करें और एफ डैश टू माइनस की बात करें, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? सेवन हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ, है ना, दैट इज द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू करो जल्दी से, फटाफट सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू। हाँ,